तुम और मैं बीच मजदार का ये कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम पता खोई मत बहन ना मध्य सून नेशन को वो तो समझा लो कौन कौन खतर भी वो तो कोई नहीं। अगर ये सूर्य उसको पूछ जाए उससे हम क्या करा। पर एक चीज और को याद दिलाना चाहूं कि वो वक्त अब खत्म हो गया है। अब सोशल मीडिया का जमाना है। पहले आपको अखबार वाले बचाते थे, पहले आपको चैनल वाले बचाते थे। یس کلوم چھ کرا یلی سیاسو اس استعمال کرا ایک چیز یاد رکھ آنے والا کل ہمارا ہے انشاءاللہ ضرور احتساب ہماری پہلی ڈیمانڈ دمو لوک کب چھ کرا تم نام مجھے جو لگے تک نہ جوان وہ وہ کرو وہ ارضا اللہ تعالی چھو تم کے مانتے ہو گڈ کا احتساب کے سوال बाकी ये तो मुझे करप्शन का सवाल वो तो होगा ही होगा इसके सुनित आश्रम और जो पार्टी न आके किस खिलाफ क्यों मना न ब्याज में किस खिलाफ वो तो यही चलता है पॉलिटिक्स शहर का। बाकी वो जो सजाद सर नौजवान हम चाहते हैं नौजवान लड़के सामने और यूसी ब्रुक एंड क्राउच नमम कोयल साइन माइकल बेटी ब्रुक एंड ये सबसे बड़ी अटरासी है कि कैसे खुर्शीद साहब ने इन लोगों से अपने आवाम से किस मोहब्बत से बाकी के साथ कुछ उसको हम बेशुक्र गुजार और इंशाल्लाह खुर्शीद साहब हमें पूरा यकीन है कि सजाद साहब आने वाले कल में इंशाल्लाह आपका नाम भी रोशन करेंगे और इस साथ یہاں پہ آئے ہوئے شہر سری نگر سے شوکت حاجی صاحب سوری یہاں پہ آئے ہوئے شہر سری نگر بالخصوص خانیار کانسٹیٹیوئنسی سے آئے ہوئے دوستوں بھائیوں بہنوں میرے بزرگوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسا آپ جانتے ہیں سجاد عالم کا نام اور میں کوئی تقریر نہیں کرنا اس چیز کا میں اعتراف کروں میں تقریر نہیں کرتی نہیں ہے کبھی میں نے زندگی میں کی نہیں ہے اور ابھی آلریڈی میں بہت نروس ہوں میرے فادر بیٹھے ہوئے ہیں سجاد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو میں بہت زیادہ نروس ہوں تھوڑا آؤٹ آف پلیس بھی ہوں استاد صاحب بھائی سے آڈینس میں تقریر بولا آسو بھی ایک ہے تو آپ لوگ یہاں آئے اس ٹھنڈ میں بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا یہاں پہ بیٹھے آپ سانی دتر والی بھر کا اس موسم میں بنا کسی انتظام کے نہ ہیٹر نہ ٹینٹ وغیرہ کچھ نہیں ہے آپ یہاں محبت سے آئے اس سے میں آپ لوگوں کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ میں صرف ایک بات آپ لوگوں سے بولنا چاہوں میں تقریب تو نہیں ایک بات اصل میں کھا گیا مجھے جو بولنا دھیان میں تھا وہ سب بھول گیا دو تین باتیں تھیں وہ خوشی صاحب نے کر دی تو اب میرے پاس کچھ نہیں ہے بولنے کے لیے تو میں صرف آپ لوگوں سے یہ کہوں گا پہلے میں اپنے پریزیڈنٹ صاحب سے بولوں گا لیکن ڈاؤن ٹاؤن سے بھی ہے نمہ سے روز میں بچے وہ پنسا ہوئے اپنے سی ایسی محروم ایک سوچی سمجھی پالیسی کے تحت ان کو غریب رکھا گیا انڈر ڈیولپ رکھا گیا نمہ سے آج ایسی سی یہ آپ کا فورس رہیں گے انشاءاللہ مستان اور پیپلز کانفرنس کوئی بھرف کی دلی نہیں ہے جو دھوپ میں پگھل جائے گی پیپلز کانفرنس 70 سال پرانی ہے یہ پارٹی یا کشید مسلم کوئی کنفیڈنشل یہ فرینڈ لیڈرشپ اسی پرائم منسٹر میں کیا ہے ڈاکٹر منموہن سنگھ جو پورے ہندوستان اور پوری دنیا کو جماعت پہلے مان میں تین چکر سجاد سے بینڈوس
तान ना फ्रंटी सजाद साहब ने जो आइडिया उनको दिया सजाद साहब को उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप आइए दूसरे दिन अकेले में और उसको आप ड्राफ्ट बना के मेरे पेश की तो ये हमारे लीडर्स ये कोई ऐसी बात नहीं है और 25 ईयर्स पुरानी पार्टी तो हम सजाद साहब को आज ये यकीन दिलाने आए हैं आप सब लोग और मैं भी हम आपके हाथ और पांव बने आपके एक आवाज पर खड़े हो जाएंगे सिर्फ डाउन टाउन में नहीं आपको जम्मू में भी जरूरत होगी तो हमारी टीम वहां भी खड़ी रहेगी क्योंकि हम आपके साथ हैं खुर्शीद सोबन बोर्ड जिम साथ मेरी पहली मुलाकात जब साहब से हुई थी थोड़ी ग्रेट सिचुएशन थी वहां दोस्त अरेस्ट करी थी मैं संतूरस में लेकिन पहले दिन जब मैं गया उस खुर्शीद साहब को लेके वहां रात के 3 बजे हमारे घर रेड आई तो पहला जो वहां पे शख्स आया था वो सजाद साहब तो लकीली दरवाजों हां जी लेकिन जिस मोहब्बत के साथ सजाद साहब ने इनके खुद के लिए भी अनसर्टनिटी थी लेकिन उन्होंने जिस हिसाब से जिस मेहर मोहब्बत से कंफर्टेबल करने की कोशिश की तो एक बहुत बड़े लीडर की पहचान है उस दिन मुझे ये बात समझ आई सजाद साहब अजीम शख्सियत के मालिक हैं और दूसरा फैमिली सोस वारिया बोर्ड सेटबैक सजाद साहब ने कैसे इनके साथ बिहेव किया था एज अ सन आप सब लोगों का शुक्रिया सजाद साहब का शुक्रिया पूरी लीडरशिप का आपने हमारे लिए अपने दिल के दरवाजे खोले बहुत बहुत मेहरबानी सड़ा सड़ा शुक्रिया आप चलिए साइड में साइड 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 आप शॉट है क्या वो कैसे साइड है ना हम कैसे ना सरी साइड की वो मसल तो साइड है कौन विषय ये पर साइड है कैसे अपरी यू अपरी सजा सर भगना वो जो मोड बजा पर डॉक्टर सर बस प्रॉब्लम अगर कुछ खशोस बात खशोस बात बजा क्या तुल सा थे पो फोन सत तुलान तुल सर दो मिनट चाहे सर लोन साहब अंदर एक कर सजाद साहब सजाद साहब 2 मिनट क्या वन वन जॉइनिंग पर सजाद आलम साहब हैं नौजवान हैं सोशल एक्टिविस्ट हैं
पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, हमारे खुर्शीद आलम साहब के बेटे भी हैं, बट दैट इज़ नॉट द रीज़न ही हैज़ ज्वाइन। पिछले 5 साल 7 साल से ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, ग्राउंड के एक बेसिक वर्कर की तरह काम किया है, और आज अल्हम्दुलिल्लाह जो आपने देखा खानियार कॉन्स्टिट्यूंसी से जो इतने लोग आए थे इनके साथ इस ठंड में, तो हमें बड़ी खुशी है। और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सजाद आलम साहब आने वाले कल में एक नौजवान लीडर, एक बहुत ही अच्छे नौजवान लीडर के रूप में उभरे। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि नौजवान जो है जेकेपीसी को ज्वाइन कर रहे हैं, तो कितना इससे आगे जो है वो फायदा होगा जेकेपीसी? जबरदस्त सर, आईना आने वाले इलेक्शन में जेकेपीसी कहाँ देगी? बहुत सारी प्रॉपर्टीज को सीज हुई, किस तरह से? देखिए मैं आई कांट कमेंट ऑन द लीगल एस्पेक्ट ऑफ इट, बट मेरी मोतबराना गुजारिश होगी जो एडमिनिस्ट्रेशन है कि लोगों के सेंटिमेंट्स को, लीगैलिटी को सबको मद्देनजर रखकर थोड़ा सा लोगों के जहन में एक है कि कुछ ओवर्टली जो है दे आर गोइंग आफ्टर द पीपल है। सर आइंदा आने वाले टाइम में आगे चल के इलेक्शंस हो रहे हैं, मार्च में भी है, जून जुलाई में भी है एज एक्सपेक्टेड, तो कहाँ जेकेपीसी ग्राउंड जीरो पे देख रही है खुद को? लोग तय करेंगे जी, वो तो जब वोट पड़ेंगे। तो आपके अपने नजरिए से क्या लगता है? मुझे तो सब अपने साथ ही लगते हैं अब। दावा सबको करना होता है, वो तो एक फॉर्मेलिटी होती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।